हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महालक्ष्मी ब्यूटी पार्लर। मैं पायल आज आपके लिए लेकर आई हूँ आईब्रो शेप के, किस तरीके से हम आईब्रो में शेप देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें। और ये देखिए, सबसे पहले जो हमने आईब्रो को शेप देने से पहले स्टार्टिंग करनी होती है वो हमारा फ्रंट पार्ट होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारा आईब्रो का फ्रंट पार्टीशन होता है उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं और इसको हमने सबसे पहले क्लीन करना होता है। उसके बाद हम आईब्रो के शेप के ऊपर चलते हैं। देखिए, हमने पाउडर अच्छे से लगा देना है। पाउडर लगाने से बाल अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं और खूब अच्छे से निकल जाते हैं ये। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने अच्छे से स्किन को, लूज स्किन हो तो अच्छे से टाइट करवाना है और लूज स्किन पर हम थ्रेड नहीं चलाएंगे। और ये इस तरीके से हमने टाइट पकड़ते हुए ये देखिए, तो इस तरीके से ये देखिए हमने बाल निकालने जो स्टार्टिंग कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उन्हीं को हम निकालना शुरू करते हैं और एकदम थ्रेड से सारे बाल निकालना शुरू नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे हमने ये इस तरीके से शेप में चलना होता है। मैं आपको क्लीन तरीके से दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये हमारे जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो हम इस तरीके से निकालते हैं। ये मैंने बैक साइड से वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये इस तरीके से हम जो बहुत छोटे बाल हैं तो हम बहुत इजी वे में निकालेंगे। और एक आप अगर अगर स्टार्टिंग में हैं तो आप बिल्कुल स्लोली स्लोली, हल्के हल्के, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक बाल करके ही निकालिए। एक दो एक दो एक दो ज़्यादा करेंगे, लेयर्स निकालेंगे तो एकदम दर्द भी ज़्यादा होगा और शेप भी हो सकता है बिगड़ जाए अगर एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो इसलिए जब भी आईब्रो बनाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पाउडर अच्छे से लगा लीजिए, उसके बाद ही आगे की आईब्रो स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, हमने अब धीरे धीरे शेप दे दिए और ये हम ऊपर का फ्रंट जो है, फ्रंट का राइट आईब्रो का, तो इसको इस तरीके से हम क्लीन करेंगे। हमने बिल्कुल गोलाई में अगर शेप देनी है तो हम गोलाई में बनाएंगे, अगर हमने थोड़ी सी शेप में आर्क शेप में देनी है तो उसी हिसाब से बनाएंगे। तो ये देखिए, ये इनके शेप पर हमने फेस पर इस तरीके से शेप दिया, तो आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से ये हमने शेप दी है। तो इसी तरीके से हमने छोटे छोटे एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं हमारे वो निकालते हुए चलेंगे, क्योंकि इनका फेस ज़्यादा भारी है तो इनके फेस पर मोटी आईब्रो ही अच्छी लगेगी, तो ज़्यादा पतली आईब्रो मैं नहीं करूँगी। उसी तरीके से आपने आईब्रो बनाने के लिए ये ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी। और ये देखिए, इस तरीके से ये आपने यहाँ से क्लीन करना है और थोड़े से बैक में ऊपर उठाते हुए हम इसको छोड़ देंगे। और ये हमारी दूसरी साइड है, तो सबसे पहले हमने इस पर भी पाउडर अच्छे से लगा दिया है और ये इस तरीके से धीरे धीरे हम लेयर्स निकालना शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम इस तरीके से लेयर निकालेंगे। ये हम बहुत बारीकी में हमने बाल लेने होते हैं, हमारे थ्रेड में जो बाल फंसने चाहिए वो ज़्यादा बाल नहीं फंसने चाहिए। पता चले कि ज़्यादा लेयर्स बाल निकालने के चक्कर में आपने बाल उड़ा दिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और स्किन को हमेशा टाइट पकड़वा के रखें। अगर आप लूज स्किन करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो वो होते हैं आपके फेस के ऊपर लग जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी, मैं भूल रही हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए, ये कट लग जाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे, दिखेंगे फिर। तो आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आईब्रो बनाएं तो उसको थोड़ा सा हमने पीछे से उठाकर बनानी है। अगर आप उठाई हुई आईब्रो बना रहे हो तो इस तरीके से और बारीकी से बैक साइड जाके हमारी जो लेफ्ट है वो हमेशा बैक से ही बनेगी, तो वो अच्छी शेप आती है उसकी। तो ये देखिए, और थोड़ा सा हमने पीछे की साइड से जो बनाएंगे वो थोड़ा उठाते हुए बनाएंगे ताकि शेप आ जाए थोड़ी। ये है हमारी आईब्रो बनाने का तरीका। तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और ये देखिए, अभी अभी आपको पता लग रहा होगा आईब्रो में हल्का सा फ़र्क है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप बनाने के बाद चेक ज़रूर कीजिए कि कहीं आपका बाल रहता तो नहीं है। उसको चेक करने के बाद ये देख लीजिए कि कहीं एक्स्ट्रा ना रह जाए, उसके बाद ही आप फाइनल कीजिए कि आपने ये बना दिया पूरी आईब्रो। तो इस बात पे मैं कहना चाहती हूँ कि आप चेक ज़रूर कीजिए कि आईब्रो पे कि आपके कहीं एक्स्ट्रा बाल ना रह जाए। तो प्लीज़ देखते रहिए मेरी वीडियो, और भी मैंने आईब्रो की वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं, अलग अलग शेप की है। तो ये देखिए, ये हमें एक्स्ट्रा लग रहा था इस आईब्रो में बाल, तो ये हमने इस तरीके से
देखने के बाद निकाल दिया है। तो आप अगर जो आपको ओवर लगे अलग लगे तो वो बाला का आप बाल का आप ध्यान रखें उसको प्लकर से, अगर आप थ्रेड से ज़्यादा बारीक बाल नहीं निकाल सकते तो आप थ्रेड से भी निकाल सकते हैं और अपनी आईब्रो में शेप दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ये देखिए हल्का सा हमें लग रहा है कमी, तो इस साइड से हमें एक एक्स्ट्रा हमारा बाल था तो वो हम आईब्रो का बाल निकाल देंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। इसी तरीके से ये हम एक्स्ट्रा जो हमारा बाल है वो हम निकाल रहे हैं और अपनी आईब्रो को शेप दे रहे हैं। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय गाइस, थैंक यू।